Hey guys, welcome or welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, aaj ka video hone wala hai ek review video. Aaj ke video mein main ek organic, natural aur ayurvedic skincare brand ka review karne wali hoon. जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, स्पेशली उन्हें जिन्हें एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद नहीं है. उन्हें नहीं चाहिए कि उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल्स हो. तो आज का वीडियो जो है ना आप ही के लिए है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिव्यू ऑफ दीज फोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रूपयूर, देन लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. As you can see, I have these four products from Rupayur, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके स्किन केयर के लिए. जो पहला प्रोडक्ट मेरे पास है वो है इनका फेस वॉश. सेकेंड आई हैव स्किन हीलिंग जेल. फिर उसके बाद एक सीरम है एंड देन आई हैव अ मॉइस्चराइजर जिसमें सनस्क्रीन भी है. तो गाइज रूपयूर के प्रोडक्ट्स को बनाने में ना 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है. ये एक आयुर्वेदिक ब्रांड है और ये आयुष सर्टिफाइड है, क्रुएलिटी फ्री है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं पड़े हुए हैं. रूपयूर के प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं, प्लस इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है. I mean कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है. जो भी फ्रेग्रेंस इनके प्रोडक्ट से आती है ना वो absolutely natural है. So guys, I'll first start with the face wash. So this is Rupayur's face wash. और ये एक प्लास्टिक बॉटल में आता है विद अ गोल्डन कैप. इसको आप ओपन करके देखोगे तो इस तरीके की ड्रॉपर काइंड ऑफ बॉटल में आता है, जो कि पहले टोटली पैक थी. इसे मैंने ओपन किया हुआ है टू टेक द प्रोडक्ट आउट. और इसको आप ट्रैवल के टाइम पे भी कैरी कर सकते हो क्योंकि बहुत ही छोटी सी बॉटल है और इजिली आपके बैग में जो है फिट हो जाएगी. दिस इज बेनिफिशियल फॉर डार्क स्पॉट्स, एक्टिव पिंपल्स, एक्ने, स्कार्स, पिगमेंटेशन, सन टैन, सनबर्न. रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, रिड्यूस करता है, सूदस स्किन, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. सो गाइज आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 week. और इस ब्रांड के बारे में मैं एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इसमें सारी ही इंग्रेडिएंट्स जो भी यूज़ हुए हैं वो 100% नेचुरल हैं. तो गाइज ये बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपके स्किन को सूट नहीं करेंगे. ये सभी को सूट करने वाले हैं ऐसा ये क्लेम करते हैं. और मैंने इसको यूज़ किया है गाइज, आई टोटली लव दिस प्रोडक्ट्स. की इंग्रेडिएंट लिस्ट की मैं बात करूँ गाइज तो इसमें नीम यूज़ हुआ है, देन इट हैज़ गॉट घृत कुमारी, तुलसी, हल्दी, संतरा, कुकुम्बर. इसमें शहद और विटामिन ई भी है. जब हम इसे ओपन करके देखेंगे ना तो हम नोटिस करेंगे कि ये ग्रीन कलर की जेल लाइक कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट है. बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है और बिल्कुल भी डिहाइड्रेटेड आपकी स्किन फील नहीं होगी इससे फेस वॉश करने के बाद. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप जो कि है स्किन हीलिंग जेल. तो ये कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है, सेम पैकेजिंग है, सेम तरीके की इसमें ड्रॉपर वाली बॉटल आ रही है. ड्रॉपर आपको पंप नहीं मिल रहा है बट यू कैन टेक और इस तरीके से आप डिस्पेंस कर सकते हो प्रोडक्ट को. दिस इज फॉर गाइज पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स, डलनेस, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हनी यूज हुआ है, नीम है, तुलसी है, चंदन है, आंवला है, इट हैज गॉट कचूर और हल्दी और एलोवेरा है. तो आप देख सकते हो कि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं इसमें. देन इसकी मैं यूज की बात करूं गाइस तो इसको आप दिन में 2 बार भी लगा सकते हो ऐसा यहाँ पे मेंशनड है. ऑल्दो मैंने इसको सिर्फ 1 बार ही यूज किया है, इसको मैंने 2 तरीके से यूज करके देखा है गाइस. एक तो आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो. तो जब मैंने ये इस प्रोडक्ट को परचेज किया था तो आप देख सकते हो कि स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स हो रखे थे. आई रिग्रेट कि मैंने उस टाइम की कोई भी फुटेज नहीं ली जब मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया था. गाइज मैंने इसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट यूज किया था अपने पिंपल्स पे, यहाँ 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 और यहाँ रख करके इसको ओवरनाइट छोड़ा हुआ है मैंने और इसने मेरे पिंपल को एक ही दिन में ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस कर दिया. सेकेंड डे मैंने यूज किया तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा पिंपल खत्म हो चुका था बट थोड़े से मार्क्स अभी बाकी रह गए. यू कैन सी कि यहाँ यहाँ मार्क्स अभी दिख रहे हैं तो थोड़े थोड़े से मार्क्स हैं. तो इसको आप ओवरऑल पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, जो कि अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है एक्ने पिंपल्स की या कोई हाइपर पिगमेंटेशन हो रखी है तो उस पर भी ये वर्क करने वाला है. सो इसको ऑल ओवर फेस तो मैंने सिर्फ 2 बार ही यूज़ किया है और
जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था थोड़ी सी रेड मेरी स्किन हो गई थी, वो भी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मैं थोड़ा सा डर गई थी कि शायद मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बट जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं देगा आपके फेस को, आपकी स्किन टाइप कैसी भी हो सब पे सूट करने वाला है, तो इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाया, जबकि मेरी स्किन थोड़ी रेड हो गई थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे जब इसको यूज़ किया तो एब्सोल्युटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस की मैंने, बिल्कुल भी रेडनेस वगैरह कुछ भी नहीं थी फेस पे। पिगमेंटेशन वगैरह के बारे में फिलहाल नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने इसको अभी लास्ट 1 वीक ही यूज किया है, तो आगे मैं यूज करूंगी और बताऊंगी कि ये उस पे कैसा वर्क करा है। बट डेफिनेटली जिन्हें एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं उस पर भी वर्क करेगा, प्लस ये भी इंश्योर करेगा कि आपको फ्यूचर में कोई भी एक्ने और पिगमेंटेशन वगैरह ना हो। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे जो कि है रूपयूर एंटी एक्ने सीरम। सो गाइस आई लव दिस सीरम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है। इसने मेरे यहाँ पे जो पोर्स होते हैं ओपन उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया है, मेरे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव किया है, मेरी स्किन बहुत ही हेल्दी और प्लम्प फील होती है इसके एप्लीकेशन के बाद। इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये येलोइश टाइप का थोड़ा जेल लाइक कंसिस्टेंसी वाला है, थोड़ी रनी कंसिस्टेंसी है इसकी, बट पर ये थोड़ा सा स्टिकी है एप्लीकेशन में, बट जब आप इसको टॉप अप करोगे मॉइस्चराइजर के साथ जो कि मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी ग्रीजीनेस आपको आपके फेस पे नहीं फील होगी। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो इसमें नीम है, कुकुम्बर है, मंजिष्ठा है, पोमग्रेनेट है, एलोवेरा है और ग्लिसरिन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ गाइस तो दिस इज़ फॉर 990 रुपीज़, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। आई कैन टोटली एग्री, आप सोच रहे होगे कि एक्सपेंसिव है, बट गाइज दिस इज़ वर्थ द मनी। मैं डेफिनेटली ये फिनिश होगा तो नेक्स्ट ज़रूर परचेज करूँगी, छोटा है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। मैं आती हूँ लास्ट प्रोडक्ट पे जो कि है रूपयूर का मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन। सो दिस इज़ फॉर एंटी एजिंग, एंटी पिगमेंटेशन एंड एंटी एक्ने, और इसको भी गाइज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो, वैसे ही इसको भी आप ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हो। इसमें मॉइस्चराइजर के साथ साथ सनस्क्रीन भी है जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सनस्क्रीन हम जनरली स्किप कर देते हैं क्योंकि वो थोड़ी स्टिकी हो जाती है, स्वेटिंग फील होती है आपको आपके फेस पे, थोड़ी ग्रीजी हो जाती है, कुछ कुछ सनस्क्रीन जो होती है वो वाइट कास्ट भी छोड़ती हैं, बट इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉइस्चराइजर जो है बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी वाला है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, गर्मी में भी इसके एप्लीकेशन के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील होगा कि बहुत चिपचिपी सी स्किन हो रही है आपकी। सो आप इसको मॉर्निंग टाइम में और रात में कभी भी यूज़ कर सकते हो, मैं इस प्रोडक्ट को हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी, आई लव दिस प्रोडक्ट। सो या गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। अगर आपने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है तो अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिन्होंने इस प्रोडक्ट को अभी तक नहीं यूज़ किया है उन्हें मैं बोलना चाहूंगी कि गाइज प्लीज डू गिव दिस प्रोडक्ट अ ट्राई, और आई एम श्योर कि यू विल गोना लव दिस प्रोडक्ट। और या सारे ही प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रूपयूर की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। विद दिस आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू।